नाम को नहीं बताऊं, काम को नहीं बताऊं, शकल को नहीं दिखाऊं, मुद्दा होते बंदे का नाम सिर्फ डोडो था। चंडीगढ़ मास कांड था तो उस का देखते हुए आज हमारी पेशी थी, सबकी पंगा दोबारा और हो सके है भी गिरफ्तारी होगी। डेढ़ साल पहले हम लोग गिरफ्तार हुए थे, PSDM ने के आरोप ला रखे हमारे ऊपर कि ये हमारे साथ हमारे ऊपर इन्होंने हमला करा, हमारे काम में रुकावट डाली और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो 188 धारा है उसका उल्लंघन, मतलब 188 के अंडर हमारा केस करा। ये सब ना पता कि वो मास्क के चक्कर में होया था तो इसलिए वो चालान ही नहीं पेश कर रहे, वो कोर्ट में न्यू नहीं आ रहे भाई हमारी गलती के थी। वो कांत बीच और खोद बीच आ गई, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में किसी का मता क्योंकि उन हमारे को झूठा फसाया था। चाहे अपनी स्थिति करा लो, ये मानने तो भरोसा रह नहीं रहेगा इस देश की अदालतों के ऊपर। कर ले डॉक्टर साहब गिरफ्तार करेंगे तो कर ले, कोई बात नहीं। गिरफ्तारी तो डर हो गए, गिरफ्तारी तो कौन डर है, हम तो चाहवा गिरफ्तार कर ले, डरे मारे दुश्मन। चलो, संसार क्रांति फेसबुक लाइव में सारे दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलारा, जिनके बारे में एक बार मैंने कहा था नाम को नहीं बताऊं, काम को नहीं बताऊं, शकल को नहीं दिखाऊं, मुद्दा होटे बंदे का नाम सिर्फ डॉट डॉट है। तो डॉक्टर साहब राम राम भाई, सारे भैया ने तो बहुत गहरा विषय है भाई हमारी गिरफ्तारी, क्योंकि डेढ़ साल हो गया हमारा जो प्रकरण था चंडीगढ़ मास्क कांड था तो उस का देखते हुए आज हमारी पेशी थी तो उसकी अपडेट भी देवांगे और गिल्ले गिल्ले गिरफ्तारी क्यों हो सके है वह भी डॉक्टर साहब पर पूछेंगे। इसका के पंगा दोबारा और हो सके है भी गिरफ्तारी होगी या इस मामले ने लेकर हमारा के चल रहा है वो एक बार अपडेट दे दें। डॉक्टर साहब बताइए एक बार ताज़ा जो अपडेट है अपनी जो आज की पेशी थी उसका ताज़ा अपडेट एक बार दर्शकों ने बताओ भाई। एक तो सारे लोग इस बात ने समझियो कि मामला अभी अंडर ज्यूरिसडिक्शन है, कोर्ट में चल रहा है तो उसके ऊपर आप ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन भाई चाहे अपनी स्थिति करा लो, ये मानने तो भरोसा रह नहीं रहेगा इस देश की अदालतों के ऊपर। आप इस बात का हिसाब ला लो भाई, मन तो रह नहीं रहा, ये कर्मों का कर्मों जाना है। मैंने इतना बताऊं कि ये भी एक बात देखियो, डेढ़ साल पहले हम लोग गिरफ्तार हुए थे 3 जनवरी 2022 ने, सरकार ने हमारे को जबरदस्ती अंदर करने की कोशिश करी थी उन दिनों में, क्योंकि मैं गांव-गांव घूम रहा था, लोगों को जगा रहा था। आपने उससे पहले की एक वीडियो सुनी होगी 1 तारीख की, जब शेखपुरा के अंदर हंसी वाला शेखपुरा है वहां पे सरपंच के साथ में कुछ हमारी काया सुनी हुई थी, सरपंच ने पुलिस बुला ली थी वहां पे। उस पुलिस के बुलाने के बाद फिर उस मसले को मतलब CID भी फिर वहां आ गई थी, CID ने फिर आके बात चलाई होगी तो मेरे ऊपर लगातार नजर रखी जा रही थी। वहां जैसे ही हम पहुंचे वहां उन्हें देख लिया कि एक मौका मिला है, इस मौके में इसको मतलब 188 में और फलाने में डिमके में आप अंदर कर दो। अब वो जो अंदर करने वाली प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर क्या होया जी डॉक्टर साहब, अपडेट आई थी हाँ वो यह है, अभी जो जलदान था ना जिसने अपने साथ बदतमीजी करी थी, हाँ हाँ ट्रांसफर बिलंत उसकी कर दी किसी ने रिन्यू करवाया गया वो शायद इसलिए करवाया होगा। और एक और ताजा अपडेट ये है भाई, डेढ़ साल हो लिया पुलिस जब हम कल तोंदे डॉक्टर साहब आराम जो आप ही अपने जिन साथियों ने साथ भी दिया था जब गलत तोंदे तो चलान पेश कर दे। ना ना मैं एक और बात बताऊं, डेढ़ साल हो गए लेकिन पुलिस चलान नहीं पेश कर रही भाई, मर गया। मैं पूरी बात बताऊं कि है ऐसा ही मसला हुआ था सेक्टर 25 के अंदर, जब सरकार का प्रोपेगेंडा ये चल रहा था तो सेक्टर 25 में कुछ लोगों ने विरोध किया था सरकार के इस एजेंडे का, हाँ। और इसमें मतलब इस एजेंडे में अब क्या हुआ था, सरकार के कुछ लोग मतलब उन्होंने FIR करवा दी उस लड़के के ऊपर और फिर वो कोर्ट में मुकदमा चला और उसको 3-4 महीने के भीतर ही जेल हो गई थी, 3 साल की जेल हुई थी। मेरे को मेरे जानकार लोगों ने बताया था कि भाई उस फलाने की जेल हो गई है, वो भी तेरे आला काम करे था। तो मैं कहा कोई बात नहीं भाई, अब जेल में क्या था आप देखिए, अभी SDM ने के आरोप ला रखे हमारे ऊपर कि ये हमारे साथ हमारे ऊपर इन्होंने हमला करा, हमारे काम में रुकावट डाली और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो 188 धारा है उसका उल्लंघन, मतलब 188 के अंडर हमारा केस करा। अब लेकिन हमारे वाले केस में क्या हो गया, सरकार के हाथ कहां बंध गए कि हमारे केस में सरकार क्या नाम, हमारी जो सारी वारदात थी, मेरी पहली बार उस SDM से मुलाकात से लेकर के और मेरे गिरफ्तार होने तक की
एक एक मिनट एक एक सेकंड जो है वो कैमरे में कैद होगी, वो सारी वीडियो वीडियो लाइव थी, वो लाइव थी वा, उस लाइव फीड को तो वो झुठला नहीं सकते। साथ में वहां बहुत सारे लोग थे और वो उस वीडियो में हैं और वो हमारे गवाह हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि सरकार हम लोगों को किसी भी तरह से, अगर वो ये कहते हैं कि ये फलाना आदमी न्यूरनू करता पाया गया, क्योंकि सरकार का एक तो गेम देख लिया, आज ब्रजभूषण का चालान पेश कराया सरकार ने जी। और जो सरकार चाहती थी वो पेश कर दिया, जो पहलवानों ने आरोप लगाए वो तो नहीं करे। इसी तरीके से जब कल को आने वाले टाइम में ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले थे जी। जो ये कि कुछ भी आरोप लगा दो कि नन्यू करा, वो आरोप ये लोग झूठला मतलब ये लोग साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वीडियो के अंदर एक एक चीज जो है वो दे रखी है। पता है सब ने कि भाई देवेंद्र हाथ जोड़न लग रहा था, देवेंद्र ने ये कहा कि आप इसलिए नहीं करांगे, सब ने पता कि वो मास्क के चक्कर में होया था, तो इसलिए वो चालान ही नहीं पेश कर रहे, वो कोर्ट में न्यू नहीं आ रहे भाई हमारी गलती के थी। इबुए कांत बीच और खोद बीच आ गई, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में उनकी सहमत आई, क्योंकि उन हमारे को झूठा फंसाया था। अभी वो दोबारा से लेके आने वाले हैं क्लाइमेट लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन लेके आएंगे, कोर बीमारी 2025 में लाने की चल रही है, पेंडेमिक ट्रीटी लाने का प्लान चल रहा है। वो पेंडेमिक ट्रीटी लाने से पहले एक बार और गिरफ्तार कर सकते हैं वो, भाई मान लो किसी अवमानना में या किसी और मुकदमे में या कोई भी हो सकता है। सुनो भाई, शरीर के सारे तंतु खोल के कान फोन का दौरा कर लियो और दिदे खोल के एक बात सुनो, डॉक्टर बुला रहा की वह है कर्जे से रिलेटेड, घर घर में कर्जे चढ़े पड़े हैं, और कर्जे के आप खुद जिम्मेवार हैं, अगर अपने को कर्जवान बनाया गया है षड्यंत्र के तहत, उसका एक बहुत बड़ा खुलासा, वो भी एक कारण होगा भी भविष्य का पूछा पड़ा हाँ, भविष्य में गिरफ्तारी तय उसका है। यू जो एक बड़ा मिशन चलने लग रहा है, स्टार्ट होने लग रहा है, डॉक्टर साहब खोल दो पत्ते। भाई जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने एक डिसीजन लिया है कि इस देश को कर्ज मुक्त करना है। कारण क्या है, हमने आरबीआई से कुछ सवाल किए और हमने कहा कि जो ये आप हमारे को ये नोट पकड़ाते हो जिनको बैंक नोट बोलते हैं, वो बैंक नोट जैसे अब आपके पास कोई सिक्का पड़ा है, ये 2000 का नोट है, 200 का, अब लोग इसको 200 रुपए समझते हैं, 2000 का तो मार दिया हाँ, इसको लोग 200 रुपए समझते हैं, जबकि ये 200 रुपए नहीं है, ये 200 रुपए का नोट है। इसके ऊपर यहाँ आप देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और नीचे गवर्नर के साइन है। हमने गवर्नर से चिट्ठी डाल के पूछ लिया कि जी जो आप ये 200 रुपए देने का वादा करते हो, ये वादा क्या है और वो 200 रुपए क्या है। तो आरटीआई के जवाब में सरकार ने कुछ चीजें बताई हम लोगों को, उसमें कॉइनेज एक्ट 1906 और पेपर करेंसी एक्ट 1882 और आईपीसी के अंदर ये पूरा विवरण दिया हुआ है कि आप सबसे पहले तो आपका जो रुपया है, जो भारत का जो रुपया है, एक रुपए का जो स्टैंडर्ड है वो 777 मिलीग्राम सोना है, सोने अच्छा। का बैग रखा जाता है, तो इसकी कीमत बने 200, इसकी कीमत ये मान के चलो कि भाई इसका जो टोटल लगाओगे, एक एक जो यू रुपया है हाँ। ये हमारा जो एक रुपया है वो लगभग 4800 ऐसे नोटों के बराबर है। अच्छा 4800 रुपया का मतलब ये नोट, कहने का मतलब है कि 200 गुना कर लो आप 4800 मल्टीपल, यानी कि 1,00,000 के करीब करीब पड़ेगा या 80,000 के करीब पड़ेगा। अगर इसने दे देंगे आप तो आपको इतना सोना मिलेगा, अगर हम इसका अदायगी के लिए लगा दें कोर्ट को, हम ये कह देंगे जैसे अभी 2000 का नोट सरकार ने बंद कर दिया, हम अगर सरकार को ये नोट दें वापस और 2000 का, और हम कहें कि हमको अब इसके बदले में दूसरे नोट नहीं चाहिए 500 के, मेरे तो 2000 के नोट की अदायगी कर दो, तो होता क्या है, मैं ये 2000 के नोट बताऊं, छापने का एक नियम है देश में, जितना या तो धातु निकलेगी उस धातु के बराबर में छपता है नोट। जब आप मेहनत करते हो खेत में, जैसे किसान ने एक दाना डाला गेहूं का और उससे 20-25 दाने निकल आए, तो इस तरह से एक दाने का 20-25 गुना हो गया हाँ। तो वो पैदावार हुई, जानते सुन दे रहो भाई ठीक है, या तीसरा तरीका, मैंने जैसे आपके खेत में काम किया, मैंने क्या किया था, मेरे शरीर को जो ऊर्जा मिली हुई थी कुदरत ने मेरे को दी, सन से जो मुझे ऊर्जा मिली थी मैंने अपनी ऊर्जा को आपके काम के लिए इस्तेमाल किया, तो आप बदले में मुझे ये धन देते हो। अच्छा। तो यानी कि जो मेरी ऊर्जा है और जो मेरा धातु है और जो मेरी खेत की पैदावार है, इन तीनों के बदले में सरकार करती है, और उसके बदले में उतना ही सरकार से कुछ दस मांगे हो तो दस्तावेज में गोल गोल का काम कर दिया उसने, गोल गोल खेल लेना, तो उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए कुछ जगह पर। और जब हमने, मैं आपको बताऊं,
नीलामी, पुणे में हमारे एक मित्र का मकान था उसकी नीलामी रुकवाई, ऐसे ही हमने फैक्ट्री की नीलामी रुकवाई, अभी दो दो तीन तीन लोगों के जो कर्जे थे छोटे मोटे वो नहीं कितने की जमीनों को काबू करने के लिए, आपकी जमीन न थी 20-20 लाख जमीन का क्रेडिट कार्ड बना रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड 70-70 हजार का, 1-1 लाख रुपए की लिमिट, यानी 1-1 लाख रुपए में वो आपकी जमीनें हथियाना चाहते हैं और उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज इतना। तो हमने जब इसकी भाई बैंक वाले इतना बता दो आप इसका जो पैसे का भुगतान है वो होना चाहते हो कि अवैध रूप में मिले, तो बैठते हैं अब वो बहुत बुनियादी सवाल अभी तक का जो अभी तक है उसमें एक चीज देखी है हम लोगों ने, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक पहुंचा है चुप्पी साध लेता है और जो दूसरी पार्टी कहता है कि किसी भी कीमत पर इस मसले को दुखी तो इस तरह के जो कर्ज मान कर देखो भाई, अगर के लिए क्या हिंदू जनता सरकार मोर्चा हर जिले में हमारे साथी, जनता सरकार मोर्चा के साथी आपके लिए कर्ज मुक्त भारत का अभियान चलाए हुए हैं, इसमें हमने क्या काम की, आपके पास रोज बैंक जाते हैं, बैंक फोन वाले आपको परेशान करते हैं, अगर आपकी गुंजाइश नहीं है पैसे को बचाने की, सबसे आप इस पूरे मिशन के अंदर शामिल हो जाओ और इस पूरे के पूरे इस सरकार के आगे आओ। कहने का मतलब ये हुआ आप जिले के उस जनता सरकार मोर्चा के साथ थी सर कि भाई मेरा यो कर्जा है, मेरा यो मुझसे इससे मैं यूं इस तरीके से मतलब बनाना चाहूं, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे कैसे कागज करने हैं। बहुत धन्यवाद, आवाज मिशन मोड में ये देखोगे, क्योंकि अन्याय को महापाप है और जनता सरकार मोर्चा का मतलब न्याय के खिलाफ जंग, नजायज के खिलाफ, और यह जंग जित तक लोगों का पर्दाफाश नहीं हो जाए। मैं उतारा देसी पत्रकार कर